हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सबके लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, थोड़ी स्पाइसी सी, और इसके साथ में मैंने पूड़ियाँ बनाई थी क्योंकि सर्दियों का टाइम है और सुबह के टाइम में नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने पूड़ी और सब्ज़ी बनाई थी। तो अब आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। नाश्ता हो चुका है रेडी और अब मैं ये नाश्ता अपने पापा को देने जा रही हूँ। और ये मैं नाश्ता लेके चली अपने पापा के रूम में। तो अब हमारा खाना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करने। तो साफ़ सफाई करने के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। सारे फिनिश हो गए हैं, मैं आ गई हूँ ऊपर शावर लेने। इस टाइम दिन के 12 बज रहे हैं, खाना वाना हम लोग ने सब खा लिया है और अब मैं आप लोग से मिलती हूँ शावर लेने के बाद। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तो शावर मैं ले चुकी हूँ और नमाज़ भी मैंने अपनी पढ़ ली है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अगर सर्दियों में आपने शावर लेने के बाद चाय नहीं पी और वो भी अदरक वाली, तो समझ लिया आपको फिर सर्दी लगती ही रहनी है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे चाय पकाने, पापा को भी चाय देने और साथ में अम्मी को भी चाय देने और ख़ुद भी चाय का मज़ा लेने। तो आइए चलते हैं चाय का मज़ा लेने, आप भी लीजिए और हम भी लें।
उसके बाद ये शाम का टाइम है 5:30 का। मैं अपने हस्बैंड के साथ मार्केट आई हुई थी। यहाँ से हम लोग को थोड़ा बहुत सामान लेना था क्योंकि हम लोग के घर में एक प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, तो इसलिए हम लोग शाम के वक्त मार्केट आए थे। और ये है मार्केट का कुछ नज़ारा जो कि आपके सामने है। मार्केट से कुछ सामान लेने के बाद फिर हम लोग आए बेकनगंज। यहाँ पे पन्नू भाई की एक बहुत ही मशहूर दुकान है चाट की और चाउमीन वगैरह की, तो हम लोग जब भी मार्केट आते हैं तो हम लोग इनकी दुकान पे ज़रूर आते हैं। आप भी एक बार ज़रूर आइए। चाट और स्पेशली यहाँ के बताशे बहुत अच्छे हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए वापस घर की तरफ क्योंकि सर्दी भी काफ़ी बढ़ रही थी और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, तो इसलिए हम लोग को जो ज़रूरत का सामान लेना था वो हम लोग ने लिया और हम लोग वापस निकल गए घर की ओर। और फिर एक जगह पे हम लोग को ये हरी भरी सब्जियाँ दिख गई, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना सब्जियाँ भी ले ली जाए, तो हम लोग ने मटर ली थी और 2-3 सब्जी और ली थी, तो वो लेने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। चुके हैं अपने स्वीट मोहल्ले में। यहाँ काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं इस वजह से कैमरा स्टिल नहीं रह पाता है, लेकिन मैंने तब भी अपनी वीडियो को शूट किया। और आगे अंधेरा भी है और गड्ढे भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे सड़कें अभी बनी नहीं हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फाइनली वी रीच्ड अवर स्वीट होम। अरे ये करे ये डमे ना वो कर दे पहले।